Hey guys, welcome back. इस वीडियो में मैं आपको अपने प्रोफेसर्स बताने वाली हूँ एंड कौन सा प्रोफेसर कौन सा कोर्स मैंने चूज करा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं एंड कमेंट्स में भी मुझे बोल रहे हैं, तो इट्स बेटर आई थॉट कि मैं एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए. तो एंड तक रहना इस वीडियो में, मैं एंड तक बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ. अब आपको थोड़े बता देती हूँ कि मैंने कौन से प्रोफेसर्स चूज करे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेके, एंड ये मेरा फिफ्थ सेमेस्टर है. तो जो जो मैंने प्रोफेसर्स चूज़ करे थे तो मैं आपको सारे बता देती हूँ. फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने लिए थे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, HRMT, एंड मेरा था बिजनेस एथिक्स. तो बिजनेस एथिक्स के लिए आई चूज़ जॉनी चैंग. आई डोंट नो ये अभी पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, बट ही इज़ अ वेरी गुड प्रोफेसर. उन्होंने मुझे 85 दिए थे ओवरऑल. अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के लिए मैंने भी चूज़ करा था पीटर कमला को, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर. उन्होंने भी मुझे अराउंड 80s में मार्क्स दिए थे ओवरऑल, मैं बता रही हूँ आपको. HRMT में मेरा बहुत ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस रहा था, बहुत ज़्यादा, और रीज़न बींग गिफ्टी पार्कर. आई डोंट नो आई एम सपोज टू टेक द नेम्स, बट मैंने गिफ्टी पार्कर लिया था एंड उन्होंने मुझे ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 65 दिए थे. इवन इफ मैं इंटीग्रिटी इशू मेरे ऊपर लगने वाला था, मुझे यूनिवर्सिटी ने वो असाइन करा था. फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे पता नहीं था कि हम चेंज कर सकते हैं, तुम लोग चेंज कर सकते हो, तो जो मैंने गलती करी थी वो मत कर. सेमेस्टर में जो मेरा सेकंड सेमेस्टर था उसमें मैंने लिए थे बिजनेस एनालिटिक्स. तो गाइज मैंने बिजनेस एनालिटिक्स के लिया था सैम्यूल ली लिया था. सैम्यूल ली ने मुझे 80s में मार्क्स दिए थे ओवरऑल. मैंने एक इलेक्टिव लिया था चेंज मैनेजमेंट, जो कि कंसल्टिंग में हेल्प करता है. मैंने चेंज मैनेजमेंट के लिए लिया था सोफू ली ने मुझे दिए थे, उन्होंने भी मुझे 80s में मार्क्स दिए थे. प्रिटी ईजी, ज़्यादा इन सब का जो मैं बता रही हूँ इन सब में ज़्यादा वर्कलोड नहीं था एंड प्रोफेसर्स भी अच्छे थे, और मेन तुम्हें मार्क्स से मतलब है तो मार्क्स भी तुम्हें मिल रहे थे अच्छे, मुझे अच्छे वाले मार्क्स मिल गए. एंड लीडरशिप के लिए सेकेंड सेमेस्टर भी मेरा बहुत ख़राब गया था, जस्ट बिकॉज लीडरशिप के प्रोफेसर की वजह से. तो लीडरशिप के प्रोफेसर जो मैंने लिया था वो था मार्क लेगेसी. भाई भगवान बचाए, इसके रिव्यूज़ मैंने अच्छे सुने थे कि हाँ है अच्छा है, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ कैसे, बट इसने पूरे सेमेस्टर मेरे को रुलाया है. इसकी वजह से मेरे को बहुत मेंटल स्ट्रेस हुआ था और इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ 68 ओवरऑल दिए हैं. बहुत बच्चों को फेल करता है ये. सो गाइज जो मेरा सबसे प्यारा सेमेस्टर निकला है वो निकला है मेरा थर्ड सेमेस्टर. मुझे पता भी नहीं चला कि कब शुरू हुआ है एंड कब ख़त्म हुआ है. तो मेरा बहुत प्यार से सेमेस्टर गया वो, और विद अच्छे वाले नंबर. तो मैं बता देती हूँ थर्ड सेमेस्टर में मैंने जो प्रोफेसर लिए थे और कोर्स जो मैंने लिया था. पहला मैंने लिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेरा प्रोफेसर था माइक बेनकी. तो उसने मेरे को ओवरऑल दिए थे 75, और मैंने लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा था. आई एम नॉट गुड विद अकाउंटिंग, बट उसने क्लास में आते ही बोल दिया था कि तुम वो पास कर देगा विद अच्छे ग्रेड्स. तो मैंने एक वो लिया था. एक मैंने लिया था मार्केटिंग मैनेजमेंट विद ब्रैड शर्विन. भाई क्या मस्त प्रोफेसर है भाई, क्या पढ़ाता है. प्लस पूरे सेमेस्टर में एक ही असाइनमेंट था मेरा, और वो भी ग्रुप था, और हर वीक मेरा एक क्विज होता था विच इज़ प्रिटी ईजी. तो बहुत स्मूथली गया वो वाला कोर्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेसर. एंड लास्ट जो मैंने लिया था वो था OPMT. तो OPMT में मुझे थर्ड सेमेस्टर में जो मेरे को बहुत प्यारा प्रोफेसर मिला वो था फारनूश बगेरी. तो अगर तुम्हें फारनूश बगेरी OPMT के लिए मिलता है तो भाई भाग के ले लो उन्हें, भाई भाग के ले लो. और अगर ऑप्शन में भी आता है तो तुम चेंज करके अगर फारनूश ले सकते हो, फारनूश बगेरी. दो फारनूश है यहाँ पे, एक मेल है एक फ़ीमेल है. मेरा वाला मेल था फारनूश बगेरी. भाई इतना बढ़िया प्रोफेसर है, इतना बढ़िया पढ़ाता है. ज़्यादा असाइनमेंट भी नहीं थे, मतलब 3 असाइनमेंट थे बट मैनेजेबल थे. ज़्यादा वर्कलोड नहीं था, नो क्विज नथिंग, बट एंड ग्रेडिंग में भी अच्छा था. तो इसको ले लेना गाइज. मेरा फोर्थ सेमेस्टर जो अभी अभी निकला है मेरा, उसके ग्रेड्स भी मेरे आ गए हैं. पूरे सेमेस्टर में मेरे आए हैं 82%, विच इज़ द हाइएस्ट अभी तक जितने भी मेरे सेमेस्टर रहे हैं. तो मैं बता देती हूँ, मैंने इस बार फोर्थ सेमेस्टर में मैंने लिया था CMPT. CMPT में आई चूज़ जावेद मुशारी. भाई जावेद मुशारी क्या बंदा है भाई, उसको ले लेना. उसने मेरे को ओवरऑल दिए हैं 81% ओवरऑल. तो टफ ग्रेडर नहीं है, बहुत प्यारा बंदा है, तुम्हारी चीज़ें भी समझेगा एज स्टूडेंट अगर तुम उससे रिक्वेस्ट करते हो. और मतलब कोई क्विज कुछ भी नहीं, बस बहुत अच्छा पढ़ाता भी बहुत अच्छा है. तो जावेद मुशारी ले सकते हो. नेक्स्ट मैंने लिया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने ली थी फेंडी हेला जो भी थी,
उसने मेरे को ओवरऑल दिया 82%। पढ़ाती ओके है, मतलब ठीक है, उसको आई डोंट कमेंट ऑन दिस, मतलब ओके पढ़ाती है बट नंबर अच्छे दे देती है। असाइनमेंट ज़्यादा नहीं थे, पूरे सेमेस्टर हमारा एक ही ग्रुप प्रोजेक्ट चला है, एक इंडिविजुअल था और दो क्विज थे, तो ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता, मैनेजेबल था, बट नंबर मिल गए थे। एट लास्ट जब नंबर अच्छे मिलते तो भी खुशी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने लास्ट सेमेस्टर में लिया था वो था, एक इलेक्टिव लिया था, वो मैंने लिया था कंसल्टिंग, क्योंकि मैं अपनी जो MBA कर रही हूँ वो मैं कंसल्टिंग में ले रही हूँ, तो मैंने कंसल्टिंग एज इलेक्टिव मैंने लिया था, और जो कि मैंने लिया था विद ब्रेंट रैमजे, तो मैंने इसके साथ लिया था। वो नॉलेजेबल बहुत है और क्लास में भी बड़ी इंगेजमेंट रहती है, तो मतलब नॉट वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर है मेरे लिए, मतलब मेरा सबसे टॉप पे है जावेद मशारी, देन OPMT का फानूश बगैरी, तो ये मेरे वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट प्रोफेसर हैं पूरे ओवरऑल मेरी MBA जर्नी के। बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर में देखते हैं कैसे क्या रहेगा मेरा। बट ये वाला जो था ये कंसीडर कर सकते हो, उसने मेरे को दिए थे ओवरऑल 82 दिए थे, तो ओवरऑल जब मैंने कोलेक्ट करा तो मेरा आराम से अच्छी खासी सबसे हाईएस्ट मेरे फोर्थ सेमेस्टर में आया है। तो गाइस डिपेंड करता है कि तुम कौन से प्रोफेसर चूज़ कर रहे हो। हमेशा मैंने तुम्हें बताया कि UCW इज़ ऑल अबाउट प्रोफेसर्स, कि तुम प्रोफेसर्स कैसे चूज़ करते हो। वीडियो में मैंने सारे प्रोफेसर्स बता दिए हैं कि मैंने क्या लिए थे और तुम्हें कौन से लेने चाहिए और तुम्हें कौन से नहीं लेने चाहिए। मैंने अभी तक कोई भी प्रोफेसर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, इसलिए मेरी MBA जर्नी जो है वो थोड़ी सी ईजी रही है। अगर मैं शायद कोई एम ई प्रोफेसर्स ले लेती तो प्रॉब्लम हो जाती मेरे लिए, बट ठीक है। अब मैं बता देती हूँ लास्ट सेमेस्टर के लिए मैंने क्या कोर्स लिए हैं। एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लिया है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विद शेरी कैम्बल, मैंने सुना है वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए, तो एक मैंने वो लिया है। एक इलेक्टिव मैंने लिया है डिज़ाइन थिंकिंग मैंने लिया है बहनाज के साथ, गोहमानी ऐसे करके कुछ नाम है उनका, तो आई डोंट नो वो कैसी है, बट जो मैंने रिव्यूज़ सुने हैं रिव्यूज़ उनके अच्छे हैं, तो रिव्यू अब बाकी पढ़ के पता चलेगा, इसका मुझे 50-50 है, मुझे श्योर नहीं है। एंड लास्ट मैंने एग्ज़िट कोर्स एक लिया है, वो मैंने लिया है स्मॉल बिजनेस, और वो मैंने लिया है नाजी के साथ, नाजी याजदी, तो मैंने इनके साथ लिया। ये भी मैंने सुना है कि बहुत प्यारा प्रोफेसर है और बहुत अच्छा पढ़ाता है और मार्क्स भी 90s में देता है, 95-90s में देता है तुम्हें, तो ये मैंने ले लिए हैं। तो आई होप मेरी लास्ट सेमेस्टर मेरा बहुत अच्छा जाए। तो गाइस अब मैं यूनिवर्सिटी से निकल रही हूँ, बहुत देर हो गई यहाँ घूमते एंड यूनिवर्सिटी क्लोज्ड है, तो बहुत अजीब लग रहा है अभी भी यूनिवर्सिटी में घूम रही हूँ, बिल्कुल क्लोज है भाई बिल्कुल। तो फोर्थ फ्लोर पे हूँ मैं, निकल रही हूँ विद माई क्यूट बैग, फर्स्ट टाइम इसे लेके आ रही हूँ, तो इसी बीच गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो ये सारे प्रोफेसर्स थे एंड मैं आपको एक टिप दूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप एक प्रोफेसर जो आपको चाहिए एंड जैसे भी है तो आप कैसे वो चूज़ कर सकते हो एंड मुझे कैसे वो प्रोफेसर्स मिल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है मुझे ईजिली ये सारे प्रोफेसर्स मिल गए थे? बिल्कुल भी नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या ट्रिक्स हैं एंड कैसे मुझे प्रोफेसर्स मिले थे, तो स्टे ट्यून गाइस। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी MBA जर्नी ईजी करने के लिए। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइस स्टे ट्यून एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज तो प्लीज़ डू कॉमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज आई कैन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ़।